घंटे ये पानी में रहना, इतना सुंदर जगह पे आकर देख सकते हो पूरा पहाड़ों के बीच में ऐसे मीठे पानी के तालाब में आकर, अगर मैं नहीं नहाता तो ट्रस्ट मी ये जगह का तो एडवेंचर इनकम्प्लीट रह जाता। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ फॉर द एक्सप्लोरिंग द आइलैंड्स ऑफ लंगावी। आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे बोट हैं, ये टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं फॉर द आइलैंड हॉपिंग। आइलैंड एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूरिस्ट जर्नी है, टूर जर्नी है फॉर एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और लंकावी जैसे एक बड़ा आइलैंड में तो ये तो होना ही चाहिए। तो मैं ये पूरा पैकेज बुक किया ओनली बाय 30 रिंगेट्स, 30 रिंगेट में। सुबह का टाइम है, अभी 9:30 बजे है, तो हम लोग आ चुके हैं इन द जेटी। आप देख सकते हो बहुत सारे बोट खड़े हुए आसपास, देख सकते हो ऑल ऑफ द बोट्स ओवर हियर, एंड यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी है, दे आए हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो हम सभी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, एक एक बोट में 8-10-15 टूरिस्ट होंगे उसको लेकर। ये पूरा जो यहाँ पर 4-5 आइलैंड है, जो बड़े बड़े आइलैंड है, स्कूबा ड्राइविंग है, ये सब कुछ एक्सप्लोर कराने वाले हैं। तो आज मैं भी जा रहा हूँ उन लोगों के साथ, देखते हैं कैसे एक्साइटमेंट रहता है इस पूरे जर्नी में। So let's see is island hopping ka scene kaisa hota hai. The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. So friends, you can see that I have already put on my life jacket. So we are going to explore the islands over here. I don't know what's going to be happen today, but the entire journey is going to be super rock and adventurous. So guys, let's rock and roll. दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हो चारों तरफ आइलैंड के बीच में एक जगह पे, और इस तरफ एक ऐसा अद्भुत आइलैंड जिसको देखकर यहाँ से लग रहा है दैट इट इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन। अभी यहाँ पर जो हम लोग का जो बोटमैन है उसने रुका और दिखाया जाए इसका शेप कैसा है, इज़ इक्वल लाइक कोई प्रेग्नेंट वुमेन सोया हुआ है। चलो आप लोग देख लीजिए हाउ इज़ द लुक ऑफ दैट हिल। Forever free. Sometimes you need to go, take a step back. The truth around you, from a distance you can tell. का जर्नी का जो पहला पड़ाव है, फर्स्ट स्टेप, हम लोग पहुंच गए फर्स्ट स्टेप में। आप देख सकते हो कि कमाल का ये आइलैंड है, अब जस्ट लुक एट द आइलैंड। ये पूरा आइलैंड में यहाँ पर एक घंटे के लिए रुका है हम लोग का बोट, यहाँ पर एक फ्रेश वाटर के तालाब भी है अंदर, जस्ट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द बोटमैन। उसने बोला आप एक घंटे के लिए जाइए वहाँ पर, अगर चाहते हो स्विम करिए वहाँ पर, नहा लीजिए, एक घंटा टाइम है, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। दोस्तों पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ ये आइलैंड है, पूरा तरफ चारों तरफ ये घने जंगल आप देख सकते हैं। एक एक करके सभी बोट यहाँ पर आ रहे हैं और उन लोग का जो पैसेंजर्स है उसको छोड़ रहे हैं एक घंटे के लिए, एक घंटे बाद यहाँ से वो लोग दोबारा पिकअप कर लेगा। बट द जर्नी इज क्वाइट एक्साइटिंग दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ऑर्गेनाइज तरीके से। अच्छा ये जगह का नाम देख लीजिए, डाइंग कुछ लिखा हुआ है, डाइंग डियांग बंटिंग मर्बल समथिंग, एज कैसा एक नाम है, लोकल नाम होगा शायद। ओके बट अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रस्ट मी द प्लेस इज सो एक्साइटिंग, पूरे पहाड़ के बीच में जंगल के बीच में ऐसे एक आइलैंड में आना, उसमें एक घंटे बिताना, ये सचमुच एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होने वाला है।
ये मलेशियन वाले टूरिज्म का बिजनेस तो बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 30 रिंगिट में मैंने बुक किया था पूरा पैकेज, पर यहाँ पर आने के पता चला यहाँ पर इस आइलैंड पे अंदर जाने के लिए मुझको लेना पड़ेगा दूसरा टिकट, और इस टिकट का प्राइस ले लिया उसने 6 रिंगिट 6 रिंगिट। फिर सब सोच सकते हो ऑलरेडी ये 36 रिंगिट का हो चुका है। सो अभी जाना पड़ेगा अंदर। ओके चला गया, मैं आ चुका हूँ अभी ये जियो फॉरेस्ट पार्क में। दिस इज जियो फॉरेस्ट पार्क, दिस इज द एंट्री ओवर देयर। इस एंट्री के लिए 6 रिंगिट एक्स्ट्रा इन लोगों ने चार्ज किया, बट ये पहले बोला नहीं गया था, ओनली देयर सेड 30 रिंगिट फॉर द इंटायर पैकेज। ठीक है, इट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग ऑल्सो। यहाँ पर दोस्तों बंदर भी बहुत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर द लॉट ऑफ मंकीज ओवर देयर, दे आर प्लेइंग विद द ऑल द टूरिस्ट ऑल्सो। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. समुद्र के बीच में एक आइलैंड, और आइलैंड के बीच में है ये मीठे पानी का तालाब, और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। कोई कायाक में एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई पैडल बोर्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई स्विम कर रहे हैं। तो ये जगह पे एक घंटे का टाइम है, और जो बोट से जो टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए हैं ये एक घंटे वो लोग पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर देयर फन एंड फॉर देयर एंटरटेनमेंट। दोस्तों मुझे तो तैरना नहीं आता, उसके बाद भी मैंने लाइफ जैकेट 2 रिंगिट पे रेंट पे लिया और जाकर पूरा ये पानी में एक घंटा स्पेंड किया। जस्ट आई वाज फ्लोटिंग ओवर देयर। ऐसे जो साइड में बहुत सारे ऐसे जाल है, ऐसे बहुत जगह है जिसको आप होल्ड करके वहाँ पर आप फ्लोट कर सकते हो, तैर सकते हो। तो मैंने भी कोशिश किया एक घंटे ये पानी में रहना। इतना सुंदर जगह पर आकर देख सकते हो पूरा पहाड़ों के बीच में ऐसे नीचे पानी के तालाब में आकर, अगर मैं नहीं नहाता तो ट्रस्ट मी ये जगह का तो एडवेंचर इनकम्प्लीट रह जाता। तो मैंने भी हिम्मत की और रेंट में ले लिया ये जैकेट और पानी में नहा भी लिया। सो दैट वाज सो चिल एंड ग्रेट एक्सपीरियंस दोस्तों। Forever free.